ऐसा कि इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे अंडरस्टैंड टू योरसेल्फ। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ कि यदि मैं आपसे बोलूँ कि प्लीज़ आप अपने को डिस्क्राइब करो वन वर्ड में और थ्री वर्ड में, आप क्या डिस्क्राइब करेंगे? जैसे कि मैं आपको थ्री वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करती हूँ, आई एम अलाइव, आई एम कमिटेड, आई एम डिटरमिंड। जो तीन लफ्ज़ में मैं अपने आप को डिस्क्राइब कर रही हूँ कि जो जो थ्री लफ्ज़ मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ, सबसे पहले आप अपने आप को जस्ट क्लोज आइज फॉर टू सेकेंड, जस्ट थिंक कि आप अपने आप को जब डिस्क्राइब करते हैं तो कौन से वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। कैन यू क्लोज आइज? हाँ, ओके। ऐसा कि आपने क्या सोचा होगा अपने बारे में, क्या सोचते हैं? ऐसा कि अभी मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनका नाम विशाल है, मैंने अभी उनसे पूछा कि आप अपने बारे में बताएं कि आप अपने को डिस्क्राइब करें, आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि मैं अपने आप को ऐसा सोचता हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यदि मुझे कोई काम दिया जाए, मुझे नहीं आता, मैं उसको सीख के उसको मैं कर सकता हूँ। तो इसी तरह आप भी देखो कि आप क्या हैं। जैसे कि आपको कोई नई चीज़ मिल रही है, कोई नई चीज़ें, तो आपने आप को कैसे डिस्क्राइब करो। जैसे विशाल ने अभी अपने आप को डिस्क्राइब किया, आई कैन डू एनी थिंग, आई एम कमिटेड टू अचीव एनी थिंग। दिस मीनिंग ही उन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को डिस्क्राइब किया। तो प्लीज़ आप अपने पेपर पर लिखें कि आप अपने को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऐसा कि जब आपने अपने बारे में जाना कि आप अपने बारे में थ्री वर्ड्स में अपने आप को डिस्क्राइब करो, प्लीज़ उसको पेपर पे लिखें और डिस्क्राइब करें उसको। ऐसा कि आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि मैंने इस तरह अपने आप को डिस्क्राइब किया। यदि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ तो हमने साथ में ग्रो होना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपको डिस्क्राइब करने में हेल्प करूँ। जैसे कि पहले जब मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रिया आप अपने अपने बारे में बताएं, अपने बारे में क्या सोचते हैं, तो जब मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने क्या अपने बारे में मैं क्या सोचती हूँ, मुझे सोचना पड़ेगा अपने बारे में, तो इस मैंने ऐसा कि मैंने पूछा था। तो उसे मैंने ऑलरेडी मैंने अपने आपको बोला था कि आई एम अनएजुकेटेड, आई एम अग्री एंड आई एम सक्सेसफुल। तो ऐसा कि उससे मैंने अपने आप को इस तरह से डिस्क्राइब किया था। तो आज आप यदि मेरे से पूछेंगे कि प्रिया आप अपने आप को डिस्क्राइब करो थ्री वर्ड्स में, तो मैं कहूँगी आई एम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, आई लव माई सेल्फ एंड आई एम ब्लेस्ड। एंड तो इस तरह से जिस तरह से आप चेंज हो सकता है, क्योंकि उस टाइम जब मैं ऐसा सोचती थी तो आप सोच सकते हैं कि मेरा लाइफ कैसा होगा, मेरी लाइफ का मैं बिहेव कैसे करती होंगी, मैं मेरी लाइफ में स्ट्रगल कितना होगा, क्योंकि मैं अपने आप को ऐसे डिस्क्राइब करती हूँ। अब मैं देख सकती हूँ कि अब मेरा बिहेव कितना अच्छा है, अब मेरी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है। तो पता है उसको करना है, उसको इंजॉय करना है। तो आप इस तरह से इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि अपने आप को थ्री लफ्ज में डिस्क्राइब करो। तो उससे क्या होता है कि व्हाट यू डू, ऐसे कि आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो, व्हाट यू रियली वांट टू डू इन योर लाइफ। तो दूसरा कि ऐसा कि जैसे कि आपके आई नो उसको फेलियर नहीं कह सकते कि जैसे आपने कई काम स्टार्ट किए होंगे, उसको बीच में बंद कर दिया होगा, तो आपने कितना, यदि आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि आपको ये तो नहीं डर लगता कि मैं ये करूँगा मैं फेल हो जाऊँगा। तो इस तरह के सारे करें, क्योंकि जो हमारी आइडेंटिटी है इसी से ही हमारी आइडेंटिटी बनती है। तो जो हमारी आइडेंटिटी होगी यही हमें बताएगी कि हमने लाइफ में सक्सेसफुल होना है और लाइफ में अनसक्सेसफुल होना है। तो ऐसे कि जैसे हम फॉर एग्जांपल आपको मैं बहुत पावरफुल सिंपल टेक्निक बताने जा रही हूँ। तो इसमें ये है कि यदि आप अपनी आपको लगता है कि जो हमारी आइडेंटिटी है, जिस तरह से मैंने अपने आप को मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं आपको लिए एनएलपी की जो टेक्निक है स्विस टेक्निक हम साथ में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत तीन चार पावरफुल क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, प्लीज़ मुझे पहले उनका आंसर दें, उस आंसर के देने के बाद हम वो टेक्निक करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसा कि जब आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना चाहते हैं, सबसे पहले यू हैव टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये आपका कोर्स है, ये आपकी लाइफ है, आपने अपने लिए ऑनेस्ट रहना। कोई जहाँ पे एग्जाम नहीं है, हमने किसी को इम्प्रेस नहीं करना, जी आपके साथ जितना आप इस आंसर का ऑनेस्टी के साथ उसको आंसर देंगे, उतनी जल्दी आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस को लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने आपको आपसे एक बहुत क्वेश्चन पूछती हूँ, How do you define yourself? How do you define yourself? आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं, प्लीज़ आप इसका आंसर लिखें। तो सेकेंड हमारा बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है, According to you, who are you and what does your true spirit reflect about you?
अकॉर्डिंग टू यू, जैसे कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, अकॉर्डिंग टू यू हु आर यू एंड व्हाट डज योर ट्रू स्पिरिट रिफ्लेक्ट अबाउट यू, प्लीज़ आप इसका आंसर करें. तो तीसरा बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है, व्हाट मेटाफोर्स डू यू डिफाइन योरसेल्फ, कि आप कौन सा मेटाफोर्स अपने लिए यूज़ करते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने लिए मेटाफोर यूज करती हूँ, आई एम अलाइव, आई विल स्टे इन द प्रेजेंट, आई एम ब्लेस्ड. जैसे मैंने बहुत अच्छे, मैंने बहुत ज़्यादा मेटाफोर्स बनाए. तो यदि बोलेंगे कि यदि समवन आस्क मी आप कैसे हैं प्रिया, तो मैं कहूँगी आई एम सुपर डुपर हैप्पी, तो आई एम सुपर डुपर गुड. आई थिंक दिस इज़ माई मेटाफोर्स फॉर माई सेल्फ. आप यदि मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कैसे हैं, तो आप कैसे अपने आप को मेटाफोर यूज़ करते हैं, तो कई लोग यूज़ करते हैं, ओ आई एम टायर्ड, मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस अच्छे से इग्नोर नहीं हो रहा, आई एम गेटिंग ओल्ड, सम पीपल से आई एम गेटिंग ओल्ड. वैसे कि आप कौन सा मेटाफोर्स अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ ऑनेस्टली से उसको लिखें, क्योंकि यदि आप उसके ऑनेस्ट होंगे तभी तो हम उनको चेंज कर सकेंगे. तो दिस इज योर कोर्स, दिस इज योर लाइफ, दिस इज, यदि आप उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. सॉरी मैं आपको बार बार कह रही हूँ. तो दूसरा काइंड है कि आप व्हाट काइंड ऑफ रोल डू यू प्ले इन योर लाइफ, कि आप अपनी लाइफ में कैसा रोल प्ले कर रहे हैं. फॉर आप बिजनेस हैं, आप एम्प्लॉयर हैं, आप फादर हैं, मदर हैं, आप कौन सी अपनी लाइफ में कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं. कि जैसे हमसे पूछा कि कौन सी सीजन में हैं आप, कौन सी लाइफ की सीज़न में आप हैं, तो वो सब लिखें. उससे क्या होता है, क्योंकि हमारे जैसे जैसे हमारी लाइफ की सीज़न चेंज होती जाती हैं, तो हमारे डिसीज़न भी चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल जब हम 18 होते हैं तो हमारे डिफरेंट डिसीज़न होते हैं, जब हम 25 हो जाते हैं हमारे डिफरेंट डिसीज़न हो जाते हैं, 45 वी हैव अ डिफरेंट डिसीज़न, 55 वी हैव अ डिफरेंट. तो आप कौन लाइफ की कौन सी सीज़न में हैं और कौन सा अपनी लाइफ में रोल प्ले कर रहे हैं, प्लीज़ राइट इट. तो उससे क्या होगा, आप अपने आप को जानेंगे कि मैं हूँ कौन, मैं कौन सा, मैं अपना रोल कैसे चेंज करूं. यदि जी मुझे रोल पसंद नहीं तो मैं रोल इसको कैसे चेंज करूं. तो दूसरा बहुत अच्छा है कि जो आपका नाम है, जैसे आपका व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम एंड डू यू स्टैंड अप फॉर इट, अप टू इट. ऐसा कि जो आपका व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम एंड डू यू स्टैंड अप टू इट, प्लीज़ आप लिखिए. डिक्शनरी में जो आपका नाम है उसको चेक करें कि डिक्शनरी में आपके नाम का क्या मीनिंग है, तो क्या किसके लिए स्टैंड करता है, प्लीज़ आप इसको लिखिए, जो आपका होमवर्क है. तो दूसरा कि व्हाट इज़ दैट स्ट्रॉन्गली स्टैंड फॉर इन योर लाइफ, व्हाट इज़ दैट यू स्ट्रॉन्गली स्टैंड फॉर इन योर लाइफ. जी भी आप आंसर आपके, मुझे इतने क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा जो कि एग्ज़ाम नहीं है, जी आपकी लाइफ है, जी आपके वो जो आपने इनर, जो आपने के जो इनर पिक्चर है, आपने उसको बहुत देर से उसको टच नहीं किया, इसलिए हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ताकि वो चीज़ें बाहर आ सकें. तो तभी तो आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर सकेंगे, तभी तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि फॉर एग्जांपल कौन कौन सी चीज़ें मुझे लाइक कर रहा हूँ और कौन कौन चीज़ें मैं डिसलाइक कर रहा हूँ. तो तभी तो हम जो डिसलाइक कर रहे हैं उसको हम कैसे चेंज करें, हम अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट कैसे लिए, इसलिए जी आपको आंसर देने पड़ेंगे ताकि हम उनके ऊपर काम कर सकें. तो दूसरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डू यू होल्ड द स्ट्रेंथ टू फॉरगेट योर पास्ट एंड क्रिएट अ बेटर फ्यूचर. डू आई एम रिपीटिंग इन, डू यू होल्ड द स्ट्रेंथ टू फॉरगेट योर पास्ट एंड क्रिएट अ बेटर फ्यूचर. तो क्या होता है कि हम बहुत सारे हम होते हैं कि हम अपने पास्ट को होल्ड करके रखते हैं, ऐसे होल्ड करके रखते हैं उसको. जब भी हमसे कोई बात करते हैं, तो जब भी मैं किसी से बात करती हूँ तो मैंने कहा दिन में जब दिन होता है कि आप प्रेजेंट में रहते हैं, पास्ट में रहते हैं और फ्यूचर में रहते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम आंसर दे स्टे इन द पास्ट. और कई कई तो ऐसे पर्सन होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ रहता हूँ, अनकॉन्शियसली उनको पता ही नहीं कि वो कहाँ रहते हैं. तो इसलिए आप भी, आपको पता चलेगा कि आप जो आपका जो पास्ट है आप उसको फॉरगेट करने के लिए तैयार हैं, ताकि आप अपना बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सकें. तो ऐसा कि लास्ट ऐसा कि डिसाइड नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू लाइक टू बिकम. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी पावरफुल क्वेश्चन. डिसाइड नाउ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू लाइक टू बिकम, कि आप किस तरह के पर्सन बनना चाहते हैं. जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे मैं प्रिया थी, आई एम एन एजुकेटेड, आई एम अनसक्सेसफुल, आई हेट माई सेल्फ, मैं ऐसी थी. तो उन्होंने पूछा कि आप कैसी बनना चाहती हैं, तो फिर मैंने उनसे बोला कि मैं सक्सेसफुल होना चाहती हूँ, मैं अपने आप को प्यार करना चाहती हूँ, मैं अपनी ड्रीम लाइफ को रियलिटी में लेकर आना चाहती हूँ, तो मैं इस तरह की पर्सन बनना चाहती हूँ.
इसी तरह से आप अपने को कहो कि मैं इस तरह का हूँ और मैं इस तरह का बनना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप ऐसा इसको करें। प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से जितना आप लिख सकते हैं आप उसके आंसर करें, चाहे 3 लफ्ज में लिखें, चाहे बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखें, आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो दूसरा अपना वो लास्ट है, एक और क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर दोस 3 डिसीजन विच हेल्प टू शेप योर लाइफ। कौन सी डिसीजन आपको लेनी चाहिए जिससे आपकी जो लाइफ है वो बेटर शेप में बन सकती है। तो ऐसा कि वो हम नेक्स्ट चैप्टर में शेयर करेंगे आपको डिसीजन कैसे लेना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डिसीजन लिए थे कि मैं तो अपनी लाइफ को डिसीजन जैसे लिए कि मैं अपनी लाइफ को बेटर शेप में कैसे लाएँ। सबसे पहले मैंने ये किया था कि मैंने ये डिसीजन लिया कि यदि मेरे को ये लाइफ मेरे को लिव करना है तो मेरे नेवर गैप अप, मैंने लाइफ में गैप अप नहीं करना। तो ये मैंने उस समय डिसीजन लिया था कि यदि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है तो आई वोंट नेवर गैप अप। तो इसलिए आप भी कोई इस तरह की कौन सी 3 डिसीजन लेना चाहते हैं कि जिससे आपकी लाइफ एक बेटर शेप में आ सकती है। तो इसके लिए ऐसा कि हम थोड़ी ब्रेक लेते हैं, आप ऐसे करें, आप बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पहले आप इन सभी के आंसर्स करें, उसके बाद हम करेंगे कि आप जे पर्सन हैं और आप जे बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्वेस टेक्निक में बताऊंगी। तो पहले आप इनको आंसर्स करें, उसके बाद हम स्वेस टेक्निक करते हैं। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ जे आपका होमवर्क है, जे आपके लिए आज तक आपने सभी के लिए कुछ किया, जस्ट डू इट फॉर योरसेल्फ। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।